डायरेक्ट उस पर ये तकरीबन एक तो तकमील के आखिरी मराइल में और 65 एमजीडी का इंशाल्लाह अगले साल जून में कंप्लीट होने का हमारा है इरादा कि उसको हम कर लेंगे। हम कोशिश करते थे उसमें जो इश्यूज थे लेकिन हम उम्मीदें कर लेंगे। ये जब दोनों मंसूबे आ जाएंगे तो हमारे पास शॉर्टेज सप्लाई की नहीं रहेगी। इस वक्त सप्लाई की शॉर्टेज है लेकिन सप्लाई की शॉर्टेज भी मैनेज करनी पड़ रही है। उस सप्लाई की शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली जो बिजली का बहरान आया है उसमें अगर मेन पंपिंग स्टेशन जो धाबीजी पे वहां पे शटडाउन ना भी हो तो हमारे जो सब पंपिंग स्टेशन है वहां पे कहीं लोड शेडिंग हो जाती है तो इस इलाके में पानी कम हो जाता है। तो ये एक कंपाउंड हो गया। पानी का मसला भी कराची में शॉर्टेज ऑलरेडी है, उसके बाद ये बिजली के बहरान की वजह से और कंपाउंड हो गया है। और ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जी हम अपनी इस वक्त भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं रोजाना आज सुबह मैंने बताया आपको कि यहां आने से पहले मैंने वाटर बोर्ड के एमडी से भी मुलाकात की, उनसे फिर पूछा कि जी क्या पोजीशन है सारी। और मैं तकरीबन रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन जरूर एक फोन कॉल से उनसे पूछता रहता हूं कि जी अब क्या सिचुएशन है। मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, बिल्कुल जो उसको ऐसा मसला समझ के बैठे हैं कि ये भी इनको भी रात को नींद जो है कम आती है, इसलिए कि मैं इनको कभी रात को 11-12 बजे भी फोन करता हूं यार चलना है जरा निकलना है, तो ही इज ऑलवेज रेडी। मतलब मुझे वो उसी वक्त गाड़ी में आ जाते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता, आपके कुछ दोस्त आज हैं नहीं, वो शायद वो रात को जागते हैं दिन में सो गए, वो रात वाले वो मुझे कहीं मिल जाते हैं ऐसे ही कहते हैं मैं तो यार फैमिली के साथ जा रहा था आपको देखा रुक गया, तो वो अवेलेबल होते। इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इरीगेशन के पानी की बात कर रहा था। अभी रबी का सीजन खत्म हुआ है 31 मार्च को। रबी में इन्होंने हमें कहा 20% शॉर्टेज होगी शुरू में। इनके जो सिस्टम्स है ना इरसा के 20% शॉर्टेज होगी, चले ठीक है यार पानी कम है, उसकी प्लानिंग सारी की। हमें आखिर में 36% शॉर्टेज मिली है। अब रबी खत्म हो गया, 20% कहने के बाद 36 कहते जी अल्लाह ताला का है निजाम, पानी कम आया। पानी कम आया या पानी चोरी हुआ मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला जानते हैं। इसलिए कि सारे रिम स्टेशन उनके हवाले, सारे मेजरमेंट्स हैं या नहीं है उनके पास है। भाई फिर 20% क्यों कहा था आप शुरू में, कहते 36% या 40% होगी ताकि हमारे काश्तकार उस हिसाब से आबादी करते, आपने उनको नुकसान दिया। उसके बावजूद ये मैं आपको कहूंगा कि 36% शॉर्टेज के बावजूद हमारे क्रॉप्स अच्छे हुए हैं और हमें अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम और उनकी सहूलियात पूरी नहीं कर सक रहे हैं। फिर आप आ जाएं इस खरीफ में इस वक्त, और ये सिंध असेंबली ने भी इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करा है और रेजोल्यूशन पास करके भेजा है। नेशनल असेंबली में भी सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने बहुत सख्त मौकफ रखा है कि जी वो पानी अकॉर्ड के हवाले तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। उन्होंने एक 3-tier फार्मूला बना दिया था जिसको कई बार हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन इरसा में